मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सरकारें रोना रोएंगी कि हमारे पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है, और हम कैसे इन फास्ट ट्रैक कोर्स का गठन करें। आज भी न्यायालय के अंदर पदों के भारी, बहुत भारी मात्रा में पद खाली हैं। हाई कोर्ट तक में करीब 40% जगह खाली है, वहां पर जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ट्रायल कोर्ट में तो आधी, मान लीजिए आप जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से कई जगह 30%, कई जगह 40%, कई जगह 60% काम चल रहा है। वहां पर भी वर्गीकरण है कि कोई बड़े शहर है, महानगर है तो वहां फुल स्ट्रेंथ है, छोटी जगह है तो कम लोग वहां पे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रजिस्ट्री तक में स्टाफ की कमी है। तो केवल ये कहना कि ये सब कुछ हम कर लेंगे फटाफट, ये हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सरकारों ने भी, और कम से कम भारत सरकार ने भी सपोर्ट किया है, विरोध नहीं किया है। चुनाव आयोग तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने FIR लिखवा दी, आपने बस इसी पर हटा दीजिए उसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से एक ताकत मिलेगी, और जैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्स का गठन होता है, अगर फंड की दिक्कत आड़े नहीं आई और नियुक्तियों में सरकार अगर सचेत रही और नियुक्तियां अगर हो गई, क्योंकि देखिए कोर्ट की इंडिपेंडेंट फंडिंग नहीं है, राज्य सरकारों को फंड देना है हाई कोर्ट को, ताकि राज्य के अंदर इसके तैयारियां हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो सके, जजेस की नियुक्ति हो सके, पेंशन और इम्प्लाई और सारे जो सैलरीज हैं उनको राज्य के मत से आना है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको केंद्र की तरफ से आना है। तो ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि राज्य सरकारें कितना फंड रिलीज करती हैं और किस तरह से सहयोग करती हैं ताकि ये व्यवस्था आगे चले, और जब ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये अच्छे संकेत होंगे, शुभ संकेत होंगे।